Welcome, dear learners, to our eighth lecture in the series of language philosophy. And today we are going to study again one of the most influential philosophers of the Enlightenment era, John Locke. So here is our brother John Locke. you can see his beautiful face. you can see his noor स्केच देख लें तो हम आगे बढ़ें हम बात करें जॉन लॉक की लैंग्वेज फ़िलासफी के ऊपर ये एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र भी हैं ऑब्वियसली ही इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ़िलासफ़र ठीक है बट इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फ़िलासफी हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फ़िलासफी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है ना ना कि ये सिर्फ राइट टू लाइफ की बात करते हैं लेकिन ये उसके साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी की और लिबर्टी की भी बात करते हैं तो ये किन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं ठीक है हम इसको थोड़ा देखते हैं कि भाई ये हमें नेचर एंड फंक्शन ऑफ़ वर्ड्स के ऊपर बोलते हुए दिखाई देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट मतलब सारे ही स्टार्टिंग से लेकर ग्रह से लेकर आज तक के जितने भी फिलोसोफर्स हैं ना वो वर्ड्स के ऊपर जरूर बात करेंगे वो लैंग्वेज एंड थॉट के ऊपर जरूर बात करेंगे वो मीनिंग के ऊपर जरूर बात करेंगे ओके okay, आपका लोग भाई कम्युनिकेशन के ऊपर भी बात कर देता है ठीक है बट दीज आर सम बेसिक कंसर्न्स ऑफ लैंग्वेज यू सी और आपके जितने भी बड़े फ़िलासफ़र्स हैं यू वुड फाइंड देम टॉकिंग ऑन दीज इशूज़ ठीक है द प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एंड थाट द प्रॉब्लम ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स एंड आइडियाज एंड सो ओके सो लॉक का भी पहला कि भाई ये कहता है कि वर्ड्स इज साइंस ऑफ आइडियाज़ ये वही बात जो हमने हॉप्स के जो है वो थेरी में भी की वहाँ पर भी मैंने आपको जो है वो एक आइडिया था आपका हॉब्स का जो कि लॉक ने रिप्रोड्यूस भी किया है अपने इन एसिंग कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में वो भी हमने आपको बताया था वेल well, क्या कहता है लॉक लॉक क्या कहता है कि वर्ड्स आर आर्बिट्ररी साइंस यूज टू कम्युनिकेट आइडियाज ओके सो अकॉर्डिंग टू लॉक वर्ड्स नॉट इनहेरेंटली कैरी मीनिंग बट फंक्शन एसिम्बल्स दैट रिप्रेजेंट द आइडियाज इन द माइंड ऑफ द स्पीकर

ऑफ़ द यूज़र्स ऑफ द यूज़र्स यानी कि यूज़र्स से मुराद ये है कि जो उन वर्ड्स को यूज़ कर रहा है जो भी बंदा वर्ड्स को यूज़ कर रहा है ये उसके आइडियाज़ की एक रिप्रजेंटेशन है अकॉर्डिंग टू लॉक लेकिन जो कनेक्शन है ओके okay, जो आपका कनेक्शन है आइडियाज़ का वर्ड्स के साथ ये आर्बिट्ररी है ओके okay? ये आर्बिट्ररी है ये कन्वेंशनल है ये कोई ऐसा नेचुरल इनहेरेंटली कोई सच्चा नहीं है ये कोई नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता ठीक है इस इस चीज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिबेट कर चुके हैं हम अपनी पुरानी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं इस फिलोसफी के ऊपर हम बात कर चुके हैं ठीक है तो आई होप कि आपने वो सारी वीडियोज़ देखी हैं अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें हमारी हॉब्स के ऊपर वीडियो देखें हमारी ग्रीक फिलोसफर्स के ऊपर स्ट्रॉक्स के ऊपर और चाइनीज़ फ़िलोफी के ऊपर जो हमने वीडियोज़ बनाई हैं यू यू शुड वॉच दैम इफ़ यू आर लर्निंग अबाउट लैंग्वेज फिलोफी दे आर रियली यू नो वॉट इंसाइटफुल दिस परस्पेक्टिव इम ईज़ दैट अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज इनवॉल्स एसोशिएटिंग वर्ड्स विद्रस्पॉन्डिंग आइडियाज इन द स्पीकर माइंड अगर आप मतलब समझना चाहते हो वर्ड्स आप सॉरी आइडियाज को तो वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है अगर वर्ड्स को समझते हो तो आइडियाज़ को समझ सकते हो जो कि स्पीकर या लिसनर्स के माइंड मेंल द प्रॉब ऑफ एबस्ट्रैक्ट एंड जनरल वर्ड्स इसको हम थोड़ा देख लेते हैं ओके सो लॉक एग्जामिन हाउ Words can refer to abstract and general ideas, which do not correspond to specific, tangible objects. Okay, So he proposed that general terms, like beauty, justice, are created by abstracting common features from particular instances. Concerning Human Understanding book 3, Chapter 3 11. में क्या कहते हैं? लोक भैया ये कहते हैं कि जनरल एंड यूनिवर्सल बिलोंग नॉट टू द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स बट आर द इन्वेंशन एंड क्रिएशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग मेड बाई इट फॉर इट्स ओन यूज एंड कंसर्न ओनली साइंस वेद वर्ड्स और आइडियाज ठीक है जी अच्छा यहाँ पर ना लोक भैया साइंस से उसकी क्या मरवाद वो एक वर्ड को भी साइन कह रहा है वो आइडिया को भी साइन कह रहा है ठीक है इसके अलावा लोग भैया क्या कह रहे हैं लोग भैया ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए ना कि जो भी जनरल टर्म्स हैं जैसे कि ब्यूटी है जस्टिस है ये हम किस तरह से बनाते हैं हम कुछ कॉमन फीचर्स इनके निकाल के उनको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं बाय एब्स्ट्रैक्टिंग कॉमन फीचर्स फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस ठीक है सो जनरल एंड यूनिवर्सल बिलोंग नोट टू द एग्जिटेंस ऑफ द थिंग्स ये जनरल और यूनिवर्सल वाली जो हमारी डिबेट है ये चीज़ों के हकीकी एग्जिस्टेंस से इसका ताल्लुक नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक है इन्वेंशंस से ठीक है जी इसका ताल्लुक है हाउ दे आर यूज बाई ह्यूमन्स so locke's theory addressed the problem of universal by suggesting that general terms are mental constructs used to categorize and communicate about the world. these are our, these are our own mental constructs, okay? and why have we uh, like constructed them so that we can categorize things and we can communicate about the world? well, let's go to another idea of uh, locke. लॉक कहता है कि भाई वर्ड्स जो है ना इनको एब्यूज़ किया जा सकता है और वर्ड्स क्योंकि पावर कैरी करते हैं सो दे कैन बी यूज एज अ टूल टू एब्यूज और टू डोमिनेट और टू डू सम एवर थिंग्स ओके एंड दैट इज़ द इम्परफेक्शन ऑफ लैंग्वेज व्हाट इज द इंपरफेक्शन ऑफ लैंग्वेज दैट वर्ड्स कैन बी एब्यूज वर्ड्स कैन बी मिस यूज ओके सो लोक हाईलाइटेड द इम्परफेक्शन ऑफ लैंग्वेज और ये इम्परफेक्शन ऑफ लैंग्वेज किस तरह से हाईलाइट करता है कहता है कि भाई वर्ड्स ऑफ इन फेल टू प्रिसाइजली कन्वे द इंटेंटेड आइडियाज़ जो हमारे जहन में एक आइडियल आइडिया idea होता है एक परफेक्ट जो आइडिया होता है जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं वर्ड्स उसको हंड्रेड परसेंट प्रॉपरली केरी नहीं कर पाते और ये क्यों नहीं कर पाते वो कहता है कि दिस इज द इम्परफेक्शन ऑफ लैंग्वेज और यू कैन से द इम्परफेक्शन ऑफ वर्ड्स एज वेल वेल सो ही आइडेंटिफाइड सेवरल सोर्सेज ऑफ लिंग्विस्टिक यू नो what confusion और ये लिंग्विस्टिक कन्फ्यूजन कौन कौन सी होती हैं एम्बिगस वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग हमें ऐसे ऐसे पता नहीं चल रहा कॉन्टेक्ट से कुछ टर्म्स को मिस यूज़ करना वेरेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिस हर किसी का उन वर्ड्स के साथ एक्सपीरियंस अपना अपना होता है तो उसके लिए वो उनको अलग अलग तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं ठीक है सो ही सेज़ दैट बट ये इफ वी वुड स्पीक ऑफ थिंग्स एज दे आर वी मस्ट अलाउ देर ऑल द art of rhetoric besides order and clearness, all the artificial and figurative application of words, eloquence had invented are for nothing else but to insinuate wrong ideas, move the patience, and thereby mislead the judgment. Okay? I आप जो है ना वो वर्ड्स का मिस यूज़ कर सकते हो आप रोंग आइडियाज़ को से uh, कर सकते हो आप पेशेंस को मूव कर सकते हो लोगों को गलत तरीके से मोटिवेट कर सकते हो किसी जजमेंट को मिसलीड कर सकते हो एंड सो ऑन सो लॉक वॉज पर्टिकुलर क्रिटिकल ऑफ़ द यूज़ ऑफ रेटरिकब्सक्योर मीनिंग एंड डिसीव एम्फरसाइजिंग द नीड फॉर क्लैरिटी इन प्रिस लैंग्वेज लैंग्वेज इन प्रसिप्शन नहीं है इसी जो अच्छे ऑडिटर्स हैं जिनको आर्ट ऑफ रेटरिक आता है वो लैंग्वेज का मिसयूज़ करके आपको अपने चुंगल में फंसा सकते हैं वो लैंग्वेज का पावर आपके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक ओके सो नाउ लेट सी वट डज यू सी अबाउट कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग लॉक इज ऑफ द व्यू दैट द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ़ लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेशन और इसी तरह से हम लैंग्वेज को डिफाइन भी करते हैं आजकल कि भाई लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सो ही आर्ग्यूड दैट फॉर द सक्सेसफुल कम्युनिकेशन देर मस्ट बी शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप बोल रहे हैं मगर वो मुझे नहीं पता तो मुझे मतलब समझ में नहीं आएगा फॉर एग्जाम्पल मैं मैंटरिन में बात कर रहा हूँ आपको मैंटरिन नहीं आती आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी कम्युनिकेशन तो होगी ही नहीं ना तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो वर्ड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो वो उन वर्ड्स की मीनिंग आपके माइंड में हो और बेहतर तो ये है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ उस कॉन्टेक्स्ट का भी आपको इल्म हो फॉर साउंड्स हैव नो नेचुरल कनेक्शन विद आइडियाज बट हैव ऑल देयर सिग्निफिकेशन फ्रॉम द आर्बिटरी इम्पोजिशन ऑफ मैन एनी वर्ड्स में बी यूज टू सिग्निफाई एनी आइडियाज़ ये वही डिबेट है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं आई वुड नॉट लाइक टू Uh, you know what talk about it over and over again in every lecture so locke's emphasis on the conventional nature of language underscored the importance of agreed upon definitions on the role of social conventions in meaning making well so is keywords works इसका भाई ए की बहुत बड़ा की वर्क है लैंग्वेज के बारे में दैट इज़ इन ए कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इसके अलावा लॉक ने ट्रू टी टी सीज गवर्नमेंट लिखी हुई है उसको आप जरूर पढ़ें अगर आप लॉक की पोलिटिकल फिलासफी में इंटरेस्टेड हैं लेकिन अगर आप लॉक की लैंग्वेज फिलासफी में इंटरेस्टेड हैं दैन दिस वन सोर्स इज लिटरली इन फॉर यू ओके दिस इज़ वेली गड इसमें वो वर्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है किस तरह से कैसे बात करता है चले आज आए हम देखते हैं uh, इसकी बुक थ्री में ही uh, जो चैप्टर वन है वो उसमें वर्ड्स के लाइक ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज इन जनरल बात करता है चैप्टर टू में सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड्स ऑफ जनरल टर्म चैप्टर थ्री में चैप्टर नाइन में इम्परफेक्शन ऑफ वर्ड्स चैप्टर टेन में एब्यूज ऑफ वर्ड्स के ऊपर वो बात करता है इसके इंफ्लुएंस और लेगसी अगर आप देखना चाहते हैं तो दिस इज लाइक great this is literally good. I don't know why my is moving this way. <laughs> well आ, भाई lock की philosophy जो है ये बहुत ज़्यादा deep है ठीक है और इसको मतलब एक वीडियो में तो क्या ही कन्वे किया जा सकता है लेकिन मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है ताकि आप ख़ुद भी जाके इसका इन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमर अंडरस्टैंडिंग अगर पढ़ें तो वो आपको आ, बेहतर तरीके से समझ में आए सो so, वो इसमें क्या कहता है कि वो एनालिसिस देता है वर्ड्स का आइडियाज़ का नेचर ऑफ़ जनरल टर्म्स का चैलेंजेस बताता है क्लियर कम्युनिकेशन में क्या है तो वो कन्वेंशनल और आर्बिट्रेड नेचर ऑफ़ लैंग्वेज के ऊपर उसने बात कर दी है उसने ये बताया है कि लैंग्वेज में प्रसन और क्लैरिटी की हमें ज़रूरत है जब भी हम बात करते हैं उसने ये बताया है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और एब्यूज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो भाई ये ये चीज़ें जिस जो भी लोक ने कही है ना दे आर स्टिल रिलेवेंट इन अवर कॉन्टेक्स ठीक है यही एक रेफरेंस है इसी को पढ़ लो बहुत है ठीक है ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें पैलाइकन को भी हिट कर दें यार मिलते हैं नई वीडियो में तब तक देखते रहिए योर लैंग्वेज ट्यूटर थैंक्स फॉर वॉचिंग